अब मैं दोबारा से इसको मैंने ऑफ़ किया, ये स्टार्ट करने लगा, ये देख रहे हैं आप गाड़ी मेरी बंद हो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों के साथ ये मसला आता है कि वो गाड़ी को अपनी स्टार्ट करते हैं लेकिन जब सेल्फ़ मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है तो कुछ देर बाद गाड़ी उसी टाइम बंद हो जाती है या फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो इसका जो है मैं आपको सोल्यूशन भी आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जो मसला आता है वो किस तरीके से आता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और जितना हो सके तो शेयर कर दें। तो गाइज अब मैं आपको मसला बताऊंगा कि क्या मसला आ रहा है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी की है और ये मेरे पावर लॉकिंग भी इसमें एक्टिवेट है। तो अब हम की लगाएंगे और गाड़ी को मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे जो है प्रॉब्लम करती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, मैं आपको इग्निशन भी दिखा देता हूँ। ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया लेकिन ये वही मसला आ रहा है। अब देखें, इसको मैं यहाँ से स्टॉप किया, अब मैं इसको इग्निशन दिया, अब आप देख रहे हैं फिर गाड़ी बंद हो गई। अब मैं दोबारा एक दफ़ा करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको मैंने ऑफ़ किया, ये स्टार्ट करने लगा, ये देख रहे हैं आप गाड़ी मेरी बंद हो गई। अच्छा तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मसला उनके साथ होता है जिनके गाड़ी में जो है पावर लॉक एक्टिवेट होता है। तो ये पावर लॉकिंग मेरी गाड़ी में एक्टिवेट है, ये उसकी की है। तो असल में मसला ये होता है, असल में ये जो है पावर लॉकिंग का एक फ़ीचर होता है कि अगर आपकी गाड़ी लॉक है, मींस के अगर आपकी गाड़ी लॉक है और उसे कोई स्टार्ट करना चाहेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक तरह से इसमें फ़ीचर है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी गाड़ी जो है लॉक है, ये मेरी गाड़ी लॉक है, ठीक है, इससे लॉक हो गई। अब इसको जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वही वाला मसला आएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर भी दिखा देता हूँ, आप देखें, ये देखें, तो ये मसला आ रहा है। तो इसको हमने, ये मसला हल कैसे होगा, अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी की है, इसे मैं यहाँ से अनलॉक किया, अब मेरी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा तो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रॉब्लम आता है वो किस वजह से आता है, क्यों आता है और इसका सोल्यूशन क्या है। और आपने भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कार को स्टार्ट करने लगें तो जो पावर लॉकिंग के की है आप अपनी गाड़ी को वहाँ से जो है वो अनलॉक कर लें। अगर आप डोर से अपनी गाड़ी को भले अनलॉक कर लेंगे लेकिन अगर जो की है वहाँ से अगर आपकी गाड़ी लॉक होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको आप चाहते हैं कि मेरी और भी वीडियोस आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।